जिस तरह से विकलांग में बदलाव होते जा रहे दिन ब दिन, बेटियों के प्रति इतना लोग इतने जागरूक है कि एक बेटी के जन्म होने पर 111 पेड़ लगाते हैं, और है ना उन पेड़ों को फिर वही बेटियाँ मतलब भाई बना कर राखी पे राखी बांधती है और उन्हीं को बड़ा करती है। इससे पर्यावरण भी सुरक्षित हो रहा है और बेटियों का पेड़ों के प्रति लगाव भी हो रहा है, और यहाँ की बेटियाँ बहुत शिक्षित हो रही है आज। हम बहुत खुश हैं विप्लांत्री से, और हमारा विप्लांत्री सबसे अच्छा है। I was very, very interested to learn how the women in Biplantree have changed their social situation and have transformed the whole environment around them. मेरा नाम लक्की पालवान है। मैं हर साल पेड़ों की राखी बांधती हूँ, इसलिए क्योंकि ये सारे पेड़ मेरे भाई हैं और इनको मेरी माँ ने लगाया है। विप्लांत्री जो वो है, एक दिन खनिज की वजह से ये गांव मर चुका था। यहाँ पे सारा जंगल नष्ट हो गया, जमीनें थी जो सरकारी सारी नष्ट हो गई, और पानी खत्म हो गया, क्योंकि आसपास की जो खदानें हैं वो 500 700 800 800 फीट गहरी चली गई थी। गांव में पीने का पानी नहीं रहा। इस तरह से 2010 से पहले इस गांव की सारी जो सुविधा थी वो खत्म हो चुकी थी। जो यहाँ के काश्तकार गांव वाले थे तो वो बाहर का प्लान करने लग गए। गांव में पानी नहीं था, खेती इनकी सब सूखने लग गई थी, और जो जंगल खत्म हो गया तो जो जंगली जानवर है वही सारा जंगल छोड़ के चले गए। फिर इन्होंने जो भी चरागाह और गोचर भूमि थी इनके ऊपर चार दीवारी करके पेड़ पौधों का काम चालू किया, तो काश्तकार वापिस खेती करने लग गए, और जो सरकारी जमीनें थी तो इनके ऊपर इन्होंने पेड़ पौधे सारे लगाने वापस चालू किया। जो पुराने पहले हमारा हरा भरा जंगल था वैसा मैं वापस बना हुआ। अब तक करीब 4 लाख पौधा इन्होंने लगा दिया। तो इन पौधों को बेटियां से जोड़ दिया। गांव में लड़की पैदा होती है तो इनके जन्म के ऊपर 111 पौधा लगा और 21,000 रुपये की एफडी करा। जो 21,000 रुपये इन्होंने एक किरण निधि योजना बनाई है, इस योजना के माध्यम से ये जमा कराते हैं, और 10,000 रुपया बेटी के माँ बाप दें, और 111 पौधा लगाते हैं। और पौधे लगाने पे कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि आप सरकारी जमीन में ही लगाओ, चाहे वो खुद की जमीन में लगा सकता, कहीं स्कूल में, रोड पे, और किसी के पास कोई जमीन नहीं है तो इस गोचर भूमि में आके लगा लो। इस तरह से बेटियां से जोड़ते हैं। और गाँव में किसी की डेथ हो जाती है, इसके मृत्यु के ऊपर ही 11 पौधे लगाते हैं। इस तरह से धीरे धीरे इनको बेटी से जोड़ दिया, और अब ये गांव और हम वही काम कर रहे हैं कि जो बेटी, पानी और पेड़ और गोचर भूमि इनको बचा ले। मेरा नाम सोफिया, आई एम हियर इन विप्लांत्री विलेज। आई हैव बीन हियर फॉर 3 मंथ्स ऑलरेडी। आई केम हियर द फर्स्ट टाइम 3 इयर्स अगो, एंड आई वाज हियर फॉर अ वेरी फ्यू डेज, but that was enough to fall in love with this village, and now I decided to come back to shoot a feature-length documentary about the Biplantree project. आज Biplantree में हरा भरा प्रतीत होने लगा, और हमको वो महसूस हो रहा है जो पहले था, आज से 20-25 साल पहले जैसा हमने देखा वैसा वापिस वो सपना हमारा साकार हो रहा है। वापिस हम किसी गांव में रह रहे, और गांव का जो भी किस वेतन है जो अच्छा होने लगा।